वेलकम बैक लर्नर्स, वेलकम टू विज्ञान गुरुकुल। और जैसा कि आप जानते हो, ये जो सेशन है सीबीएसई क्लास 9 मोशन चैप्टर यहाँ पे कवर हो रहा है। इससे पहले जो वीडियो हमने देखा था उसमें हमने वेलोसिटी और उसका कंसेप्ट जाना था, और हमने देखा था कि डिफरेंस क्या होता है स्पीड और वेलोसिटी। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो उस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दें और लाइक जरूर करें, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे बच्चे पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे लेक्चर्स आपको मिलते रहें। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारे चैनल को प्लीज़ रिकमेंड कीजिए। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा नीड है ताकि आपके थ्रू हम लोग आपके फ्रेंड्स तक पहुँच सकें और वो भी क्या सकें, यहाँ पर चीज़ें सीख सकें। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो बेहद ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। बच्चे आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हम बच्चे क्या जानेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तो उस टाइम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या चीज़ होती है। फिर हम देखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या करता है, ट्रेवल करता है, तब क्या होगा। फिर बच्चे एक्सीलरेशन के बारे में बात करेंगे और फिर देखेंगे कि ग्राफ एक्सीलरेशन का क्या है, किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें चलने वाली हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले एक रेस लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, रेस लगाने वाले हैं ताकि हम थोड़ा वार्म अप हो सकें, ठीक है। वार्म अप होते हैं तो रेस कौन लगाएगा, रेस बेसिकली मैं ही लगाऊंगा, ठीक है। आपको डरने वाली कोई बात नहीं है, आप नहीं लगाओगे, रेस मैं ही लगाने वाला हूँ। तो ये हूँ मैं, ठीक है, ये हूँ मैं, और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं तैयार हूँ रेस लगाने के लिए। अब मेरे को जज कौन करेगा कि हाँ सर आप वाकई में भाग रहे हो, तो जज तो आप ही लोग करोगे भैया। आप खड़े हो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आप खड़े हो यहाँ पे। तो आपके पास बच्चे क्या है, आपके पास एक टाइम वॉच है, आपकी ये हैंड में क्या है, टाइम वॉच है। और आपने क्या किया, आपने आपके पास एक चीज़ और होगी, क्या होगी, मेजरिंग स्केल होगा ताकि आप मेजर कर सको कि पॉइंट से बीच की डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी, ठीक है। सो आपने क्या किया, ये क्या है, विसिल है, ये क्या है, विसिल है। और आपने विसिल को जैसे ही ब्लो किया तो मैं कहाँ पर था, ए पर था, और मैं ए से कहाँ पे पहुँच गया, बी पर पहुँच गया। ए से मैं कहाँ पहुँच गया, बी पर पहुँच गया, और आपने विसिल रोक दी, ठीक है। अब आपने क्या चीज़ नोट डाउन करी, आपने नोट डाउन किया कि सर आप ए पर भी 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से रन कर रहे थे और यहाँ पे भी 30 मीटर पर सेकंड की ही वेलोसिटी से रन कर रहे हो। मतलब आपने जब भागना स्टार्ट किया था उस टाइम पे आप 30 मीटर पर सेकंड पे ही थे, और जब आपने बी पर भी पहुँच गए भागते हुए तब भी आपकी जो वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकंड रही। टाइम आपने सर 2 सेकंड कर लिया, ये आपने मुझे बता दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं फिर से भागता हूँ। तो अब मैंने क्या किया, बी से मैं सी की तरफ भाग गया। फिर आपने सी पर जैसे ही पहुँचा तो आपने फिर से विसिल बजाई और मैं रुक गया। फिर मैं आपने क्या पूछा, आपने बताया कि सर आप अभी भी सर 30 से भाग रहे हो, पहले भी आप 30 से भाग रहे थे, तो मतलब क्या है कि अभी भी आप सर कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहे हो, रन कर रहे हो। सर टाइम आपने अभी भी 2 सेकंड का लिया है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, फिर ट्राई करता हूँ। तो मैंने फिर ट्राई किया, मैं डी पर पहुँचा। डी पर पहुँचते ही आपने विसिल ब्लो की और आपने कहा सर आप क्या कर रहे हो, सर हर बार आप 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही क्यों भाग रहे हो, सर 30 मीटर पर मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ही आप रन करे जा रहे हो। मैंने कहा चलो अच्छा कोई बात नहीं है। तो यहाँ से मैंने क्या बताया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, मैं इसलिए भाग रहा हूँ ताकि मैं कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से अपनी जर्नी को कम्प्लीट कर सकूँ। ए से डी की तरफ जाने में और जो मेरी डायरेक्शन है वो बच्चे देख रहे हो ना, मैं सिर्फ सीधा भाग रहा हूँ, मैं कहीं टर्निंग नहीं ले रहा, बिल्कुल स्ट्रेट भाग रहा हूँ। और ए से डी तक भागते हुए मेरी जो वेलोसिटी है वो क्या है, वो कांस्टेंट है। मतलब जो मेरी वेलोसिटी थ्रू आउट आपको कितनी मिली, 30 मीटर पर सेकंड, वो चेंज नहीं हुई। तो इसका मतलब यहाँ से तो ये बात समझ में आ गई कि सर आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो। तो आपने क्या किया, ऑब्जर्वेशन जो भी थी आपने क्या कर दिया, यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। तो आपने नोट डाउन करके बताया सर इनिशियल वेलोसिटी आपकी ए पॉइंट पे कितनी थी, 30 थी, बी पर कितनी थी, 30 थी। तो सर अगर मैं आपसे पूछूं कि चेंज कितना आया, तो आप कहोगे सर जो चेंज ना, जो फॉर्मूला होता है ना चेंज इन वैल्यू का, वो क्या होता है सर, जो भी फाइनल वैल्यू आती है ना उसको आप सर किससे माइनस कर दो, आप उसको इनिशियल से माइनस कर दो।
से माइनस कर दो सर, आप इनिशियल से माइनस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, चेंज मिल जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है चलो बच्चे, हम क्या निकालते हैं, चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं। तो आपने कहा सर फाइनल वेलोसिटी से आप इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगी। लेकिन क्या है, आपने देखा सर वेलोसिटी ऑफ बी पे भी 30 थे, वेलोसिटी ऑफ ए पर भी 30 थे, तो मतलब 0 मीटर पर सेकेंड। सर क्या कर रहे हो सर, आपने तो कोई वेलोसिटी चेंज नहीं की। तो मैंने आपको यही तो बताया कि मैं तो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से भाग रहा था और एक ही डायरेक्शन में भाग रहा था, तो मेरी जो वेलोसिटी थी वो तो चेंज हुई ही नहीं, ठीक है। सिमिलरली अगर आप बी से सी के लिए ऑब्जर्व करोगे तो बी से सी के लिए भी सर क्या करोगे आप, सेम चेंज इन वेलोसिटी 0 आएगी, और सी से डी के लिए भी चेंज इन वेलोसिटी कितनी आएगी, 0 मीटर पर सेकेंड आएगी। तो इसका मतलब ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि अगर मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से किसी सेम डायरेक्शन में रन कर रहा हूँ, और इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का जो चेंज आएगा वो कितना आएगा, 0 आने वाला है, ठीक है। ये तो हमारे पास एक केस था वन। अब क्या करते हैं, मैं चलो ठीक है, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, हम फिर से भागते हैं। इस बार मैं कोशिश करूंगा कि अपनी वेलोसिटी को जिस डायरेक्शन से मैं भाग रहा हूँ, ठीक है, जिस स्पीड से मैं क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, उसको मैं चेंज करूंगा, मैंने प्रॉमिस किया आपसे। तो आप फिर से यहाँ पे आके खड़े हो गए और आपने फिर से विसिल बिलो की। तो ए पर था, तो ए पर कितना था मैं उस टाइम पे, 30 मीटर पर सेकंड पे था मैं। जैसे ही बी पर पहुँचा आपने विसिल ब्लो कर दी और मैं रुक गया, और आपने बताया सर अरे वाह आपने तो क्या कर दी, 40 मीटर पर सेकंड की क्या कर दी, आपकी जो वेलोसिटी है वो 40 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब सर आपने क्या किया, 30 पे आपने भागना स्टार्ट किया था, अब आप 40 पर आ गए। तो इसका मतलब सर ये है कि आपने क्या करी, अपनी जो स्पीड है उसको बढ़ाया, आपने अपनी स्पीड को बढ़ाया, ठीक है। तो कितना बढ़ा दिया, 30 पे भाग रहे थे सर, आप 40 पे आ गए, तो आपने 10 की वैल्यू क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। तो आपने अपनी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड की इंक्रीज कर दी। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, मैं फिर से भागा। अब मैं क्या भागा, मैं बी से सी की तरफ भागता हूँ, तो अब क्या होता है, मेरे पास जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी, सी पॉइंट पर 60। तो आपने कहा अरे वाह सर, आप पहले क्या कर रहे थे, 40 से भाग रहे थे, अब आप 60 से भागने लग गए, तो आपकी जो वेलोसिटी है सर अब और इंक्रीज हो गई, और आप क्या हो गए, प्लस 20 का आपने क्या कर दिया, गेन कर दिया। मैंने कहा चलो और अच्छी बात है, अब मैं बड़ा खुश हो गया। तो मैं खुश हो गया तो मैंने कहा चलो यार इस बार हल्के से भाग लेता हूँ थोड़ा सा। तो जब मैं डी पर पहुंचा, तो डी पर पहुंचा, आप कह रहे अरे सर आप क्या कर रहे हो, आप तो आपने अपनी जो वेलोसिटी है सर वो क्या कर दी, डिक्रीज कर दी, क्या कर दी, कम कर दी। और कितने पर आ गया मैं, 30 मीटर पर सेकंड पर आ गया। कितने पर आ गया मैं, 30 मीटर पर सेकंड पर आ गया। तो मतलब मैं 460 से भाग रहा था सी पॉइंट पे, और डी पॉइंट पे मैं 30 पे आ गया, तो उस सी से डी के लिए मेरी जो वेलोसिटी हुई वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। और कितनी डिक्रीज हो गई, 60 माइनस 30 करोगे या 30 माइनस 60 करोगे तो कितना आएगा, 30। तो 30 का डिफरेंस आया, मतलब सर आपने 30 मीटर पर सेकंड की क्या कर दी, अपनी वेलोसिटी को क्या कर दिया, कम कर दिया। फिर मैं डी से ई की तरफ भागता हूँ, तो डी से ई की तरफ भी कितना आ रहा है, यहाँ से 50 आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो यहाँ से ऑब्जर्व क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आप देखो बच्चे, तो ए से बी के लिए कितना आ रहा है, प्लस का 10 मीटर पर सेकेंड। फिर बी टू सी के लिए देखोगे तो प्लस का 20 मीटर पर सेकेंड। फिर सी टू डी के लिए आप देखोगे तो माइनस का 30 मीटर पर सेकेंड। और डी टू ई के लिए कितना आ रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चे ये जो माइनस का 30 मीटर पर सेकेंड है बच्चे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको पता है ना बच्चे की जो वेलोसिटी होती है, वो क्या बताती है, वो बताती है आपको दो चीज़ें। एक बताती है मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है बच्चे, और एक बताती है आपको क्या, उसकी डायरेक्शन के बारे में बताती है। यही तो बताती है दो चीज़ें, क्यों, क्योंकि ये क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो मैग्नीट्यूड अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो कितना है, 30 का है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितने का है, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन है। कैसी डायरेक्शन है बच्चे, नेगेटिव डायरेक्शन है। नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब यहाँ पे क्या चीज़ शो हो रही है, यहाँ पे ये चीज़ शो हो रही है कि मैं जिस डायरेक्शन के अलोंग रन कर रहा था, उस डायरेक्शन के अलोंग जो मेरी वैल्यू थी वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। क्या हो गई मेरी, वो डिक्रीज हो गई। या एक तरीके से सर आप जिस डायरेक्शन में भाग रहे थे आप उसके अपोजिट भाग रहे हो,
आप क्या कर रहे हो, उसके अपोजिट भाग रहे हो, तभी क्या हो गया यहाँ पे, ये वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो क्या कि आप जिस डायरेक्शन में भाग रहे हो, अगर आपकी वैल्यू क्या हो रही है, कम आ रही है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो वो क्या है, नेगेटिव शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्लियर हो गया होगा। तो मैग्नीट्यूड कितना है यहाँ पे, 30, और नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि जो फाइनल पोजिशन की तरफ जब मैं भाग रहा हूँ तो मेरी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव क्या दिखा रहा है, नेगेटिव आपको सिर्फ सेंस ऑफ डायरेक्शन दिखा रहा है कि जिस डायरेक्शन में मैं भाग रहा हूँ उसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है यहाँ पे, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, चलो। सो अब अगर आप देखो क्या कि यहाँ पे बच्चे टाइम कितना है, यहाँ पे 2 सेकंड का टाइम था, 2 सेकंड का टाइम है ए से बी पर जाने पे, और कितना चेंज आया, 10 मीटर पर सेकंड का। अगर मैं इस चेंज इन वेलोसिटी को इस ड्यूरेशन ऑफ टाइम से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाता है, वो मुझे मिल जाता है एक्सीलरेशन। क्या मिल जाता है, एक्सीलरेशन मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो केस है बच्चे जहाँ पे मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आपको याद होगा जब हमने मोशन पढ़ा था कि किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ गई, अब एक्सीलरेशन की डेफिनेशन हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। सो इट इज़ द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम पे कितनी वेलोसिटी क्या आ रही है, चेंज आ रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं। मतलब आप टाइम को वन कर दो, जब टाइम को वन कर दोगे तो जो चेंज इन वेलोसिटी आएगी वो क्या के बराबर होगी, वो एक्सीलरेशन के इक्वल होगी। या हम इसको एक डेफिनेशन से और जानते हैं, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी फॉर एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, आपके लिए एक्सीलरेशन होगा। और रेट क्या होता है बच्चे, मैंने आपको बताया था, जहाँ भी ये रेट दिख जाए इसका मतलब क्या है, ये टाइम के साथ बता रहा है। तो आपको टाइम से डिवाइड कर दो तो आपको उसका रेट पता लग जाता है। अब देखो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात बच्चे ये है कि इसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चाहिए होते हैं। सो इट नीड्स बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एक्सीलरेशन है ये भी क्या है, आपके लिए वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब अगर इन दोनों में से कोई सी भी चीज़ चेंज होती है तो आपको क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन मिलेगा ही मिलेगा। क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन मिलेगा ही मिलेगा। और ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है बेहद इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक्सीलरेशन आपको निकालना है तो ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो जहाँ पे यू क्या है, आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, वी क्या है, आपकी बच्चे फाइनल वेलोसिटी है, और टी क्या है, टाइम ड्यूरेशन इन विच दिस इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी चेंज अकर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास सिंपली एक्सीलरेशन आ गया वी माइनस यू अपॉन टी, या आप लिख सकते हो क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, आप बच्चे मैं इस चीज को समझाता हूँ थोड़ा सा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का कंसेप्ट समझते हैं यहाँ पे। सो आप बच्चे इस चीज को देखो क्या कि अगर मैं बात करूँ किसकी, सबसे पहले केस लेता हूँ मैं मैग्नीट्यूड के, किस मैग्नीट्यूड के साथ किस तरीके से आपका एक्सीलरेशन चेंज होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने दो केस पढ़े। एक तो हमने क्या देखा, यूनिफॉर्म का केस देखा था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भागता है। और दूसरा मैं केस लूंगा कोई ऑब्जेक्ट अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भागता है। ठीक है, हम लोग दो केस लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला केस लेते हैं, तो सबसे पहले केस में हम क्या करेंगे, ये कोई ये पर्सन है यहाँ पे ए पॉइंट पे, ठीक है, और ये कहाँ पहुँच रहा है, बी पॉइंट पे पहुँच रहा है। सपोज करो इसको कितना टाइम लग रहा है ए से बी पर जाने पे, लेट इट बी 2 सेकंड का, तो 2 सेकंड का टाइम लग रहा है इसको ए से बी पर जाने पे। तो जो वेलोसिटी है ए पर सपोज करो कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड है, और बी पर कितनी है यहाँ पे, वो है 10 मीटर पर सेकंड। तो ये कैसी हो गई आपके पास, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई। और आप देख रहे हो क्या कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, ए से बी की तरफ ही क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। जब ए से बी की तरफ मूव करेगा
टाइम कितना ले रहा है 2 सेकंड का, लेकिन जो उसकी वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही और डायरेक्शन भी ये चेंज नहीं कर रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से जब आप एक्सीलरेशन निकालोगे तो कितना आएगा, जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही ना ही आपकी डायरेक्शन बदल रही है, जब दोनों ही चेंज नहीं हो रहे हैं तो एक्सीलरेशन कितना आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। अब बच्चे इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं, तो यूनिट क्या होगी, देखो चेंज इन वेलोसिटी मतलब वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, और इनकी यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी की या स्पीड की होती है मीटर पर सेकेंड, और टाइम की कितनी होती है सेकेंड, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, मीटर सेकेंड इंटू सेकेंड, ये नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस है जहाँ पे उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है और साथ ही साथ उसकी जो कह सकता हूँ जो वैल्यू है वो भी चेंज नहीं हो रही है, तो वो क्या होगी, उस केस में जो एक्सीलरेशन आएगा वो 0 आएगा, सिंपल। और अगर मैं एक केस और लेता हूँ, जैसे ये क्या है, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो वेलोसिटी एट ए कितनी है, सपोज करो 0 मीटर पर सेकेंड है, और वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है, सपोज करो 10 मीटर पर सेकेंड है। टाइम कितना ले रहा है, सपोज करो यहाँ पे 2 सेकंड का ही ले रहा है, तो अभी क्या डायरेक्शन है इसकी, डायरेक्शन तो ए से बी की तरफ है, मतलब ये सीधा चल रहा है ए से बी की डायरेक्शन में, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ से एक्सीलरेशन निकालना चाहूँ तो 10 - 0 / 2 जो कितना आएगा बच्चे, वो आएगा 5, उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपने एक चीज़ यहाँ से जाना कि अगर क्या हो रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है प्लस डायरेक्शन क्या हो रही है, नो चेंज, तो नो चेंज इन डायरेक्शन, तो उस केस में जो एक्सीलरेशन आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और डायरेक्शन क्या है यहाँ पे, नो चेंज, तो डायरेक्शन क्या है, चेंज नहीं हो रही है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म का केस है, लेकिन क्या करेगा, एक्सीलरेशन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, एक्सीलरेशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। आपको इसको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया हमारे पास, ये तो हमने देख लिया कि मैग्नीट्यूड का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, जब आपके पास क्या होती है, इस तरीके से चीज़ें होती हैं, यहाँ पे डायरेक्शन कोई चेंज नहीं हो रही है। अब अगर मैं कहूँ कि डायरेक्शन की बात करूँ, इसकी बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन की बात करता हूँ, देखो सपोज करो क्या कि कोई कार है, कोई कार है और कुछ इस तरीके से पाथ है, ठीक है, इस तरीके से कोई पाथ है, ये कार पहले ए पर थी, फिर क्या हो रहा है, ये चल रही है, इसने डायरेक्शन चेंज कर दी, इस तरीके से पहुंचते वो कहाँ पहुंच गई, यहाँ पे पहुंच गई, सपोज करो बी पोजिशन, फाइनल पोजिशन पे। तो जो ए पर थी, जो ए पर उसकी जो कह सकता हूँ जो इस वैल्यू थी, ठीक है, जो ए पर उसका मैग्नीट्यूड था वो कितना था, ए पर सपोज करो 30 मीटर पर सेकेंड था, फिर यहाँ पे भी 30 मीटर पर सेकेंड था, फिर यहाँ पर भी 30 मीटर पर सेकेंड था, और फाइनली भी कितना था, 30 मीटर पर सेकेंड ही था। तो आप मुझे बताओ कि इस केस में एक्सीलरेशन एग्जिस्ट करेगा, एक्सीलरेशन होगा क्या नहीं होगा, बताओ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डायरेक्शन क्या हो रही है आपके पास, चेंज हो रही है, डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और आपको पता है जो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी चेंज होती है अगर डायरेक्शन चेंज होती है, अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी, सही बात है। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो इसका मतलब क्या है कि एक्सीलरेशन भी क्या होगा, चेंज होगा। तो यहाँ पे ये जो 30 मीटर पर सेकेंड है, ये क्या है बच्चे, ये यहाँ पे क्या है, उसकी स्पीड। तो यहाँ पे ये जो आपको 30 मीटर पर सेकेंड दिख रहा है ना, ये क्या है, उसकी स्पीड है। तो उसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड क्या है, वो कॉन्स्टेंट है, स्पीड कॉन्स्टेंट है, बट यहाँ पे जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या कर रही है, चेंज कर रही है। क्यों कर रही है, बिकॉज ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से इस केस में वेलोसिटी चेंज कर रही है,
भले ही स्पीड उसकी कांस्टेंट है लेकिन उसकी वेलोसिटी अगर चेंज कर रही है, और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो इसका मतलब क्या है कि उस केस में एक्सिलरेशन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो बच्चे मैं यहां से कह सकता हूं कि एक्सिलरेशन एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये बेहद ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझने में आ गया होगा। नहीं तो आप क्या करोगे, इसको नॉर्मली बोल दोगे सर 30 माइनस 30 क्या हो गया, 0 हो गया। तो ऐसा नहीं है बच्चे, अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तब इसका मतलब यह है कि वहां पे एक्सिलरेशन होगा, क्योंकि वहां पे वेलोसिटी चेंज हो रही है। और वेलोसिटी तो दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो उसकी मैग्नीट्यूड पे और एक उसकी डायरेक्शन पे। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो मैग्नीट्यूड वो किसका है, वो तरीके से स्पीड का ही मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज होगी तो आपके लिए एक्सीलरेशन भी चेंज होगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। काफी कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो आप इसको दोबारा देख लेना, आपको दोबारा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब देखते हैं, एनालिसिस करते हैं केस नंबर टू की। तो केस नंबर टू ये वाला बच्चे, ये वाला केस देखो, दिस इज आर केस नंबर टू। तो ये वाला जो केस है ना, जहां पे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां से एसिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो ए से बी के लिए एसिलेशन, बी से सी के लिए, सी से डी के लिए, डी टू ई के लिए, इन सब के लिए एसिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो वो एसिलेशन हमारे पास कितना निकल के आएगा, यहाँ पे देखो हमारे पास कितना एसिलेशन निकल के आएगा। अगर ए से बी के लिए बात करते हैं तो ए से बी के लिए कितना एसिलेशन होगा, ए टू बी के लिए, तो एसिलेशन होता है हमारे पास फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम। तो टाइम कितना लग रहा था यहाँ पे, 2 सेकेंड। ये कितना था, 40 माइनस 30, तो कितना आ गया प्लस का 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या आई आपके पास, एक पॉजिटिव वैल्यू आई, एक पॉजिटिव वैल्यू आई। सिमिलरली बी टू सी के लिए आप बच्चे निकाल सकते हो आप, तो ये भी क्या आपको देखने को मिल रही है, एक पॉजिटिव वैल्यू देखने को मिल रही है। फिर आपने सी टू डी के लिए निकाला तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे बच्चे, ये नेगेटिव वैल्यू दिख रही है। ये नेगेटिव वैल्यू बच्चे क्यों मिल रही है, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, वो डिक्रीज कर रही है, ठीक है, जब इनिशियल से फाइनल पोजिशन पे जा रहे हो। तो इस टर्म को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव एसिलरेशन। तो ये नेगेटिव एसिलरेशन कुछ नहीं होता है, एक तरीके से क्या होता है, रिटार्डेशन ही होता है। तो नेगेटिव एसिलरेशन का दूसरा नाम क्या होता है, रिटार्डेशन होता है, ठीक है। तो डी से ई के लिए भी आप क्या कर सकते हो बच्चे, कैलकुलेट बहुत ही इजिली कर सकते हो, वो कितना आएगा यहाँ से 20 मीटर पर सेकेंड, ये भी क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो आपने देखा यहाँ पे कि आप एसिलेशन कितना आसानी से निकाल सकते हो, आपको ड्यूरेशन पता होना चाहिए, आपको इनिशियल और फाइनल पोजीशन पता होनी चाहिए वेलोसिटी की, ठीक है। तो अब देखते हैं कि एसिलेशन का ग्राफ कैसे होता है, एसिलेशन का ग्राफ भी एक बार बच्चे जान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग विद टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन ऑफ मोशन देन दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एसिलरेशन और सिंपली एसिलरेशन। मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये वाले केसेस की। एक ये पॉजिटिव केस है, एक ये पॉजिटिव केस है, और एक ये पॉजिटिव केस है। तो ये जो तीन केस आपको दिख रहे हैं ना बच्चे, इसमें क्या हो रहा है, जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सिर्फ इस सी टू डी वाले केस को आप छोड़ दो तो क्या होगा, आपके पास अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज करती है टाइम के साथ जिस डायरेक्शन में वो मोशन होता है, तो वो बनता है पॉजिटिव एसिलेशन। और आप उस पॉजिटिव एसिलेशन को ही बच्चे आप सिंपली क्या बोलते हो, एसिलेशन भी बोलते हो। तो उस पॉजिटिव एसिलेशन को ही आप क्या बोलते हो, सिंपली एसिलेशन बोलते हो। तो अगर ग्राफ की बात करें बच्चे, तो ये जो वेलोसिटी है और ये जो टाइम है, ठीक है, ये इस तरीके से ग्राफ बनता है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या शो हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास v1 v2 v3 इस तरीके से ग्राफ बनेगा। फिर आप पॉइंट जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगी, ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ है पॉजिटिव एक्सेलरेशन का, या कह सकता हूँ सिंपली एक्सेलरेशन का। तो आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा, आपने चीज़ें काफ़ी सीखी होंगी। तो आज आप लोगों ने क्या क्या सीखा होगा, आज आप लोगों ने रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का कंसेप्ट जाना, क्या होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है हमारे लिए, एक्सीलरेशन ही होता है। फिर आपने जाना कि अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो क्या होता है। तो यहाँ पे दो केसेस होते हैं कि अगर डायरेक्शन चेंज होती है तब क्या होगा, अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होती है
तब उस केस में एक्सीलरेशन क्या होगा। फिर आपने बच्चे जाना कि अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तो तब क्या होता है। फिर पूरा का पूरा आज हमारा डिस्कशन किसके ऊपर था, एक्सीलरेशन के ऊपर था। इसका फॉर्मूला क्या था वो मैंने आपको बताया, और जो ग्राफ एसोसिएटेड है वो बताया, और जो इसकी यूनिट होती है वो क्या होती है बच्चे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ये हमारी क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है। ठीक, तो आज का डिस्कशन यहीं पे एंड करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। ठीक है, जो और कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट, आप मुझसे बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। ठीक है, ये मेरा क्या है, कॉन्टैक्ट है। ठीक है, ये मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट है। आप चाहें तो बच्चे कोई भी डाउट है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा विद इन 24 आवर्स। ठीक है, तो कोई भी डाउट है, आप कोई भी क्वेरीज है मुझसे बहुत इजीली पूछ सकते हो, मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, सो इस सेशन को बच्चे यहीं पे एंड करते हैं। तो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स से बताइए, कोई भी क्वेरी आप कमेंट पे भी पूछ सकते हैं। तो अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।